बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा कर रहे हैं हम लोग। हम लोग को लग ही नहीं रहा कि 33 साल हमारी ज़िंदगी के निकल गए हैं बीच में। ऐसा लगता है कि जैसे कल ही की बात हो, और वापस हमारी जो केमिस्ट्री है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग उस समय थी, वो आज भी मेंटेन है, और आज भी उसी तरह से हम लोग एक दूसरे के साथ में रिस्पेक्ट देते हैं, एक दूसरे के लिए केयर करते हैं, एक दूसरे के लिए प्यार है हमारे मन में। और इट वॉज अ वंडरफुल एंड बहुत अरसे के बाद हम लोग मिले, सो ये बहुत अच्छा लगा। इतने अरसे के बाद मिले तो बहुत अच्छा लगा कि दोबारा राम लक्ष्मण सीता एक ही साथ एक ही सोफे पे हम लोग बैठे थे। तो आई थिंक खुशी के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से कोई एक पिक्चर भी थी जो किसी हम मैंने देखी है, शेयर की है, वो पिक्चर ऐसी थी कि जिसमें राम जी खड़े हैं, फिर सीता जी हैं, फिर मैं खड़ा हूँ। और आज भी अभी भी जो पिक्चर एक खींची गई थी स्टेज पे, हाँ, जो पॉपुलर हुई, हाँ, पॉपुलर हुई है, वो सेम पोजीशन पे, उसी पोजीशन पे राम है, उसी पोजीशन पे सीता है, उसी पोजीशन पे मैं हूँ। तो वो देख के ऐसा लगता है कि जैसे तब और अब, देन एंड नाउ, हाँ, समय थम गया। हाँ, वो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे रुका हुआ समय था, बस कल वो था, आज वो है। टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज हो गई है, वर्किंग काफ़ी चेंज हो गया है, और जो मेकिंग है उसका स्टाइल बदल गया है। और सबसे बड़ी बात तो है कि बड़े अच्छे माहौल में शूट किया हम लोगों ने। और जैसे कि उस समय तो क्या था कि पंखे और एसी नहीं था हमारे वहाँ पर, वो ही बोलने वाली, हाँ, चीज़ वो सबसे ज़्यादा बहुत बहुत बुरा हाल था उस समय हमारा। हम रामायण शूट करते थे तो क्या है कि एक तो सीमेंट शीट के शेड होते थे, उनके नीचे करना पड़ता, और इतने बड़े बड़े पंखे होते थे जिसमें हम लोग शूटिंग करते थे वहाँ पे, और जब पंखे बंद होते थे ही पसीना गिरना शुरू हो जाता था। पंखा बंद करना ही पड़ता था क्योंकि वो शॉट अदरवाइज नहीं हो सकता, वो आवाज़ घर आती थी। करेक्ट। सो जब हम कपिल शर्मा जी के शो पे गए, मुझे एक्चुअली ठंड लग रही थी, रियली हाँ, बहुत अच्छा था। और बहुत बहुत डिफरेंट सोफिस्टिकेटेड एंड टेक्नोलॉजिकली सैवी वर्ल्ड हो गया है। एंड अभी तो मतलब आपके पास हर फैसिलिटी है। जैसे पहले तो हमारे पास सिर्फ मेकअप मैन, हेयर ड्रेसर हुआ करते थे, अब आपके पास स्टाइलिस्ट हैं, आपके पास कंटेंट राइटर है, नरेटर है, मतलब इट्स अ वेरी गुड कॉर्पोरेट इंडस्ट्री। इजी हो गया अभी काम, बहुत इजी हो गया, बहुत प्रोफेशनल और हो गया है, बहुत अच्छा हो गया। लाइक मैंने अपनी ड्रेस डिज़ाइनिंग अपने आप की थी, जैसे सागर साहब ने कहा था कि अच्छा ये अभी वनवास का सीक्वेंस है, क्या पहनना चाहोगी, जरा सोच के बता दो मुझे। सो अब ये चीज़ नहीं हो सकती, सो इट इज़ वेरी डिफरेंट। मेकअप मैं अपने आप मेकअप करती थी, और मैंने खुद डिसाइड किया कि भाई मैं कुमकुम की ही बिंदी करूँगी, लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी। तो ये सब चीज़ें मेरी इनपुट्स है, आज के दौर में दैट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। क्या है, उस समय एक्टर को बहुत सी दूसरी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता था। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी थी। और आज एक्टर के लिए दूसरे लोग करते हैं जी, आज एक्टर को एक डेकोरेट बनाने के लिए, एक स्टार बनाने के लिए सराउंडिंग्स में बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सारी मशीनरीज हैं उनके पास, मशीनरीज हैं, लोग हैं, तो ऐसे सारी चीज़ें हमारे पास। तो यहाँ पे मैं उस दिन सेट पे देख रहा था कि कम से कम तो 15-20 लोग आगे पीछे थे। अब वो अलग अलग डिपार्टमेंट में से थे और डिपार्टमेंट का काम कर रहे थे, तो इसलिए क्या, एक हमारे पास आया जो हमें इन्फॉर्म करने आया, एक हमें बताने आया, एक हमारे साथ में वहाँ पे सेट पे के पीछे खड़ा था। तो इस तरह के अलग अलग काफ़ी डिपार्टमेंट्स हो गए हैं। उस ज़माने में तो हमारा एक असिस्टेंट आता था, ए भाई सच तैयार हो गए, चलो आ जाओ सेट पे, इस तरह काम होता था। अभी वैसे इट वॉज डेफिनेटली much smoother and much better. Huge change. Correct. जैसे हम लोग रामायण के सेट पे भी पापा जी, जैसे सागर साहब को मैं पापा जी कहती हूँ, तो पापा जी हमको कभी भी नाम से नहीं बुलाते थे, इट्स ऑलवेज सीते, मुझे हमेशा सीते Correct. करके बुलाते थे, कैरेक्टर के नाम से, हाँ कैरेक्टर के नाम से बुलाते थे। असिस्टेंट भी जो आते थे हमको मेकअप रूम में नॉक करके, सीता जी रेडी हैं, चलिए आपको बुलाया है। सो ये उस टाइम से जो एक हैबिट पड़ गई है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है मेरा नाम सीता है, सो इट इज़ विथ मी नाउ। तो ऑड नहीं लगता, बिल्कुल ऑड नहीं लगता है कि भाई दीपिका एंड सीता इज़ द सेम थिंग अकॉर्डिंग टू मी। और मेरे ख्याल से शायद में इस तरह से एड्रेस करने से आपका कैरेक्टर में जाना, हाँ, आपका और इन्वॉल्व होना उस चीज़ में, आपको फील करना, हाँ, बहुत जैसे कि दीपिका जी बता रही हैं कि आज भी कैरेक्टर के नाम से बुलाते हैं, पर लोग असली नाम भी जानते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स। मैं तो ये कहूँगा कि एक नारी की इज्जत करना रामायण में भी था
और आज भी है, और मैं चाहूँगा कि एक नारी जो है, एक स्त्री जो है वो महान है, उसकी हमें इज्जत करनी चाहिए, उसको वो पोजीशन वो अदा देना चाहिए, क्योंकि आप अगर एक स्त्री ना हो, जननी है, उसको उस जननी को ना होगी तो आपका एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता है। वो रामायण ने भी सिखाया और आज भी हमको वही सीखना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप देखो, रावण को दुनिया का सबसे बड़ा विलन कहा जाता है, उससे बड़ा विलन कोई नहीं हुआ, पर उसने भी नारी के मर्यादा की बकायदा इज्जत रखी, क्योंकि जब सीता को वो लेके भी गया, उसके बाद भी उसने, सीता ने कहा कि तुम मुझे छू नहीं सकते, ये एक तिनका है, ये तुम्हारी हद है, इसके बियॉन्ड नहीं आओगे, और उसने वो उस मर्यादा को मेंटेन किया है। तो वो सीख जो है ना, वो एक ऐसी सीख है जो हमेशा लोगों को सीखना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी सीख हो नहीं सकती, और हज़ारों सालों से ये सीख सिखाई जा रही है, और लोगों को इस सीख के ऊपर रियली ध्यान देना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि एक स्त्री की, एक महिला की, एक नारी की इज्जत करनी चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि रामायण ने जो सिखाया है वो रिश्ते को हम कैसे निभा सकते हैं। कोई भी चीज़ गिव अप बहुत ईजिली हो सकती है, आप मैरिज, यू कैन ब्रेक अ मैरिज वेरी ईजिली, डिवोर्स हो जाते हैं, दो भाइयों के बीच में झगड़े होते हैं, भाई बहन के बीच में होते हैं, बहनों के बीच में होते हैं, लेकिन रामायण हैज़ टॉट मी एंड टॉट एवरीबडी हु अंडरस्टैंड रामायण वैल्यू रिलेशनशिप्स, वैल्यू व्हाट यू हैव विथ यू। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हम लोगों ने रामायण से सीखी है एंड इम्प्लीमेंट भी करते हैं कि जो है उसको आप रिश्तों को संभाल के रखिए। करेक्ट है। या आई वुड लाइक टू से दैट थैंक यू वेरी मच, शायद हमें ये मौका पहले नहीं मिला होगा व्यूवर्स को थैंक यू कहने के लिए कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया है। और मैं तो खैर वापस काम करना मैंने शुरू किया, शायद सुनील जी तो पहले भी काम कर रहे थे, मैंने तो अभी 2-3 साल से वापस इंडस्ट्री में वापस कदम रखा है, एंड वापस उस तरीके से प्यार ज़रूर दीजिएगा जैसे आपने मुझे सीता के रूप में दिया है। एंड आप सबको प्रभु राम की कृपा रहे, एंड विश यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।